हेलो एवरीवन, आप सभी का कल्ढोने किचन में बहुत बहुत स्वागत है। मैं श्वेता आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ गेहूं के आटे और कच्चे आलू का एक बहुत ही टेस्टी नाश्ता। जब आपके पास ज़्यादा सामान ना हो और आपको बहुत ही क्रिस्पी और चटपटा खाने का मन हो रहा हो तो आप इस नाश्ते को ज़रूर बनाएं। ये बहुत ही जल्दी तैयार हो जाता है। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो चलिए इस चटपटे से नाश्ते को बनाना शुरू करते हैं। तो इस चटपटे नाश्ते को बनाने के लिए यहाँ पे मैंने दो आलू लिया था, जिसे मैंने इस तरह से ग्रेट कर लिया है और इसे मैंने ठंडे पानी, बर्फ वाला जो पानी रहता है ना, उसमें रख दिया था। बर्फ वाले पानी में रखने से ये होता है कि जो आपके आलू है वो काले नहीं पड़ते हैं। अब हम आगे क्या करेंगे, हम ले लेंगे एक बाउल और उसमें ये जो हमारे आलू है ना, उसको इस तरह से निचोड़ के इस बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप गेहूं का आटा। मैंने आलू और आटे की क्वांटिटी कम रखी है, अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो आप इसे बढ़ा भी सकते हैं। अब आटे को हम इस आलू में डाल देंगे। ये वही गेहूं का आटा है जिससे हम रोटी और पराठे बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने आटा डाल दिया है, आप चाहे तो इसमें बेसन, कॉर्नफ्लोर, सूजी और मैदा भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप अपने नाश्ते को हेल्दी रखना चाहते हैं तो आप इसे गेहूं के आटे से ही बनाएं। अब इसमें हम डाल देंगे 1/2 चम्मच चिली फ्लेक्स। अगर आपके पास चिली फ्लेक्स नहीं है तो लाल वाली सूखी मिर्च रहती है ना, आप उसे भी कूट के इसमें डाल सकते हैं। थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला, स्वाद के अनुसार नमक डाल दें। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च और साथ ही इसमें डाल दें ढेर सारा हरा धनिया, 5-6 करी पत्ता बारीक कट करके डाल दें। अब इन सारी चीजों को पहले ही ऐसे मिला लेंगे, क्योंकि आलू में पानी पहले ही होता है तो जो हम अगर इसमें पानी पहले ही डाल देंगे तो जो हमारा बैटर है वो बहुत ही पतला हो जाएगा। हमें अपने बैटर को ज़्यादा पतला नहीं करना है, जिस तरह पकोड़े और अप्पे का बैटर रहता है ना, बस उसी तरह से अपने बैटर को बना लेना है। तो यहाँ पे जो हमारी सारी चीज़ें हैं वो अच्छे से मिक्स हो गई है। अब इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा करके पानी। तो थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी ऐड करते जाएंगे। तो यहाँ पे जो हमारे नाश्ते का बैटर है वो परफेक्ट बनके तैयार हो गया है। आपको अपने नाश्ते के बैटर को इस तरह से रखना है, ना तो इसे ज़्यादा पतला रखें और ना ही ज़्यादा गाढ़ा। तो यहाँ पे हमारा बैटर बनके तैयार है, तो चलिए आगे की प्रोसेस भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने गैस में एक नॉनस्टिक तवा रखा है, क्योंकि हमारा जो नाश्ता है वो हेल्दी है, इसलिए हम इसे डीप फ्राई नहीं करेंगे, बस बहुत ही कम तेल में ये नाश्ता बनने वाला है। अगर आप चाहते हैं आप अपने नाश्ता को डीप फ्राई करें तो आप उसे वैसे भी बना सकते हैं, लेकिन हम अभी अपने नाश्ते को बना रहे हैं बहुत ही हेल्दी और बहुत ही कम तेल में। तो यहाँ पे मैंने एक नॉनस्टिक तवा लिया है। अब हम आगे क्या करेंगे, हम इस तवे में कर लेंगे एक ब्रश से तेल को ग्रेस। तो इस तरह से हम पूरे तवे में तेल को ग्रेस कर लेंगे। आप चाहे तो कढ़ाई भी ले सकते हैं, कढ़ाई में इसे डीप फ्राई कर सकते हैं, या पैन ले सकते हैं, उसमें 2-3 चम्मच तेल ज़्यादा डालिए और इस नाश्ते को बना लीजिए। तो तेल को हमें थोड़ा गर्म करना है। तो तेल हमारा यहाँ पे गर्म हो गया है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा बैटर है उसको 1-1 चम्मच इसमें बस थोड़ा ही छोटा छोटा करके राउंड शेप में इसमें डाल देंगे। आप चाहे तो इसे बड़ा भी बना सकते हैं। तो जिस तरह पैनकेक बनता है ना, हम उसी शेप में इसे गोल राउंड में बना लेंगे। तो जितने आपके पैन में, तवे में ये पैनकेक आते हैं आप उतने बना लीजिए।
तो यहाँ पे जो हमारा नाश्ता है उसके यहाँ पे मैंने 3 पैनकेक जैसे बना लिए हैं। तो अब इसे हम लो टू मीडियम फ्लेम में ऐसे ही फ्राई होने देंगे। आराम से पकने दें, जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। ये बहुत ही जल्दी पक जाते हैं, बिल्कुल ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो इस तरह से हम इसे थोड़ा सा सरका के यहाँ पे दूसरे पैनकेक के लिए जगह बना लेंगे, ताकि सभी पैनकेक एक समान पके। आप चाहे तो इसे ढककर भी बना सकते हैं, जिससे जो आपका ये नाश्ता है बहुत ही जल्दी बन जाएगा, लेकिन ये आपका जो नाश्ता है वो कुरकुरा नहीं बनेगा। तो हमें अपने नाश्ते को बनाना है कुरकुरा, इसलिए हम इसे ढकने नहीं वाले हैं, हम इसे ऐसे ही पकने देंगे। बस इसे लो मीडियम फ्लेम में ऐसे ही पकने दें। अब इसे हम पलटा लेंगे। वाओ, आप देख सकते हैं इसका कलर कितना अच्छा आया है। अब इसी तरह हम दूसरे साइड से भी इसे गोल्डन ब्राउन होने देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा चटपटा सा कुरकुरा नाश्ता बनकर बिल्कुल तैयार है, वो भी बहुत ही कम सामान में। तो फ्रेंड्स, आपको आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए, ताकि ऐसी नई नई रेसिपी मैं आपके लिए लाते रहूं। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए हेल्दी खाइए, हेल्दी रहिए। बाय बाय।